हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोग आए हैं हम माता जी का दर्शन करने। तो ये यहाँ ना मंगलवार को मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये इसको जो है समय माता का स्थान बोलते हैं। और मंगलवार के दिन यहाँ सभी लोग दर्शन करने आते हैं माता जी का, और मंगलवार के ही दिन मतलब यहाँ पूजा पाठ होती है, भीड़ होता है, बाकी दिन नहीं। तो वही हम लोग भी आए थे ना यहाँ दर्शन करने माता जी का, तो हम लोग का पूजा पाठ हो गया है और यहाँ फेरी वगैरह भी होता है, तो पूजा पाठ भी हो गया, फेरी भी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी यहाँ आज माता जी का दर्शन कराती हूँ। और बहुत ही यहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है, यहाँ जो भी अच्छे मतलब सच्चे मन से और श्रद्धा से माता जी से कुछ भी मतलब मांगते हैं ना, तो माता जी उसकी मनोकामना ज़रूर पूरा करती हैं। सच में माता जी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो वही मैं और मेरी बहन दोनों लोग आए थे आज माता जी का दर्शन करने, और पूजा पाठ सब कुछ हो गया, दर्शन भी हो गया, फेरी भी हो गया है। तो यहाँ का सारा मतलब सब जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैमरे से। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मंगलवार के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यही है सब मर्तब मूर्ति वगैरह सब कुछ है, और इसी तरह का है यहाँ का मंदिर, और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर में, बहुत लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। और सच में माता जी उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं जो सच्चे मन से और श्रद्धा से यहाँ आता है। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूजा पाठ हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो फिर घर जाने की तैयारी थी, तो सोचा चलो कुछ खा के फिर जाते हैं। तो यहाँ ना ढेर सारी दुकानें हैं चाउमीन चाट और पानी पूरी वगैरह का, बड़ा पाव का, तो यही दुकान बहुत अच्छा मतलब बनाते हैं, तो हम लोग जब भी आते हैं ना यहीं पर खाते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा चाट वगैरह बनाते हैं ना, तो बस हम लोग यहाँ पर चाट और चाउमीन खाए थे, मैं और बहन और मेरा छोटा वाला भाई, भाई ही लेके आया था हम लोग को छोटा वाला। तो बस वही मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं किस तरह बना रहे हैं ये लोग। और यहाँ देखिए छोटी छोटी दुकानें भी लगी हुई हैं, ढेर सारी दुकानें हैं छोटी छोटी, तो जिसको जो मतलब लेना होता है वो लेता है यहाँ पर। तो मतलब बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की, टॉय वगैरह की और भी सारी चीज़ों की। तो ये देखिए बहन खा रही है और भाई भी खा चुका है, और मैं तो कैमरे से दिखा रही हूँ, मैंने भी खा लिया है। तो यहाँ का पानी पूरी ना बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने खाया था, और चाउमीन भी बहुत अच्छा बना था। तो बस ये छोटी छोटी दुकानें हैं इस तरह की सारी। बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, और ये देखिए ये मेरी बहन है और मैं और भाई, तीनों लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब घर जाना है। और आज ना धूप भी देखिए कितना तेज़ निकला हुआ है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा है। तो बस अब तीनों लोग निकल रहे हैं घर के लिए, अच्छे से दर्शन वगैरह हम लोग का हो गया था, तो बस वही हम लोग निकल रहे हैं। और रोड के मतलब रोड पर जाने के लिए ना ये रेलवे ट्रैक है, दो पार करके फिर रोड पर पहुंचना होता है। ये देखिए एक रेलवे ट्रैक है, ये दूसरा वाला है, तो दोनों पार करके फिर रोड पर जाना होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। और घर ना हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, बस बाइक से करीब 15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ पैदल आने में टाइम लगेगा, बट बाइक वगैरह से बस 15 मिनट का ही रास्ता है। तो बस हम लोग आ गए हैं, और इधर बाइक भाई खड़ा किया है ना, तो बस बाइक लेने जा रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो मैं ना यहाँ आ गई हूँ घर, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं मंदिर से, और करीब 15 मिनट हो गया है आए हुए,
तो सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और मैं ना जब भी यहाँ आती हूँ मायके में तो इस मंदिर में ज़रूर जाती हूँ माता जी का दर्शन करने। और मंदिर की खासियत, और मंदिर तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है, बताया भी है, तो मेरी बहनें भी हैं, मैं भी हूँ, जब भी मायके आती हूँ ना हम लोग तो माता जी का दर्शन करने एक बार ज़रूर जाते हैं, क्योंकि जब तक दर्शन किए बिना जाओ ना तो जैसे लगता है अधूरा सा कुछ है। तो हम लोग ज़रूर जाते हैं माता जी का दर्शन करने। और हम लोग करीब गए थे, हाँ 9:15 बजे हम लोग यहाँ से गए थे और 11 बजे वापस आ गए हैं घर। तो मतलब हमारे घर से ना 15 मिनट का मतलब रास्ता है मंदिर जहाँ पर है, और बाइक से ना 15 मिनट ही लगता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं और चलिए फिर नीचे देखते हैं भाभी लोग क्या कर रही हैं, अपने अपने काम में लगी हैं। और मैं ना यहाँ ऊपर आई थी थोड़ी देर बातें करने, और आज धूप ना बहुत ज़्यादा तेज निकला है, बहुत धूप तेज है, गर्मी सा कुछ लग रहा है। देखिए मैंने स्वेटर वगैरह भी निकाल दिया है, तो चलिए देख चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइस मैं नीचे आ गई थी और इधर भाभी बना रही हैं कढ़ी। एक्चुअली मैं मतलब मुझे जब बात करना होता है ना तो मैं ऊपर ही जाती हूँ छत पर, क्योंकि बच्चे ना नीचे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से जब बातें करना होता है तो छत पर ही जाती हूँ। और नीचे आई थी तो भाभी कढ़ी बना रही हैं, तो सुबह ना मतलब मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे तो दोपहर में लंच बना रही हैं। करीब 11:30 बजे का टाइम है, अभी दोपहर भी नहीं हुआ है, तो चावल रोटी बन चुका है, बस ये कढ़ी बना रही हैं। और मतलब सारा अच्छे से पक गया था तो ये जो पकौड़ी वगैरह बनाई थी ना इसमें डाल रही हैं, और ये अच्छे से बन जाएगा, तो बस कढ़ी एकदम परफेक्ट रेडी है। और मैंने कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर रखा है अपने एक वीडियो में, इसलिए मैं बस वैसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। भाभी भी बस मेरे तरीके से ही बनाती हैं, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे ये भी बनाती हैं, दही वाला कढ़ी। तो बस ये कढ़ी बना रही हैं, चावल रोटी भी बन गया है, तो आज का लंच यही है सबका, कढ़ी चावल रोटी। बस कढ़ी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, एकदम अच्छे से पक गया है, गैस इन्होंने ऑफ कर दिया है। तो बस सब लोग खाना पीना खा चुके थे, भाभी थोड़ी देर गई थी मतलब रेस्ट करने के लिए, तो बस ये ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। और भाई हंस रही थी भाभी, और ये बड़ी वाली भाभी हैं, तो मेरी बहन का सूट है, सिस्टर का, छोटी वाली सिस्टर का सूट है जो हमारे साथ मंदिर गई थी ना, उसी का सूट है, वही सिलाई कर रही हैं, सूट वगैरह सिल रही हैं। तो ये डेली यूज के लिए सूट है, भाभी सिल रही हैं, बहुत अच्छा सूट सिलती हैं ना, मैं भी इन्हीं से सिलवाती हूँ, भाभी मेरा सारा सूट वगैरह सिलती हैं, मतलब हम सबका सारा सूट वगैरह भाभी सिलती हैं। और ये फिर शाम का टाइम था और यहाँ जो है गेहूँ धुल के मतलब डाला गया था, तो वही बहन मेरा इकट्ठा कर रही है, और बच्चे सारे इतना शैतानी कर रहे थे, सारा गेहूँ के साथ खेल रहे थे, देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं सब लोग। और सबसे ज़्यादा आरुषि शैतानी करे, देखिए जब जितनी छोटी है ना उतनी ही ये शैतान है, क्यूट भी बहुत है, और देखिए ये डांट भी खा रही थी, मार भी खा रही थी, लेकिन फिर भी जा के गेहूं में ही खेल रही थी। और आरू को देखिए वैष्णवी है ये, तीनों बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। और आरू के लिए मैं स्वेटर लेके आई हूँ ना, तो बोल रहा था नहीं अभी नहीं पहनूंगा, अच्छे से मैं खेल लूँ उसके बाद पहनूंगा, नहीं तो स्वेटर गंदा हो जाएगा। तो मुझे भी हंसी आ रही थी, मैंने सोचा चलो अच्छे से खेलो तभी मैं स्वेटर वगैरह डालती हूँ। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, और आरुषि को देखिए जितना ही पकड़ के इन लोगों को इधर करो ना उतने ही भाग भाग के ये लोग जा रहे थे गेहूं में। और इधर ना भाभी सारा मतलब कपड़ा वगैरह सूख गया था, तो बड़ी वाली भाभी आई थी सारा मतलब कपड़ा ले जाने के लिए, तो इन्होंने सारा कपड़ा वगैरह इकट्ठा कर लिया। और ये शाम का टाइम है, देखिए कैसा मतलब धूप बिल्कुल भी गायब हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो इतनी ही थी, अगर थोड़ा भी पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।